जय जोहार, हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग हैं कटघोरा से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच में तीन धरिया नामक वाटरफॉल जलप्रपात के पास में। अभी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का मनोरम दृश्य। इस तरह का ट्रैकिंग वाला रास्ता है और हम यहाँ पे बाइक, जो लोकल लोग हैं गांव वाले हैं उनसे बाइक अरेंज करवा के लेके आए हुए हैं क्योंकि इधर कार वगैरह बिल्कुल नहीं आता है। तो ऐसे रास्ते में अभी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और इधर नीचे में देख सकते हैं, आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो वहाँ पे पानी पानी नज़र आ रहा है। और हम लोग हालांकि आने में लेट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं ये 4:45 हो चुका है, बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। फिर भी थोड़ा उजाला है क्योंकि जंगलों के बीच में है तो अंधेरा जो है ना ये सब जगह में जल्दी हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हर तरफ में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में नीचे में यह जो वाटरफॉल है, झरना है, वह बनता है। बजरंगबली जी की एक मूर्ति स्थापित है, गांव वाले यहाँ पे आके पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। जय हनुमान, जय बजरंगबली। और यह है वो वाटरफॉल, इसी के बीच में, पहाड़ों के बीच में वाटरफॉल है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर जलप्रपात है यह जो वाटरफॉल है। यहाँ आने के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं है। अगर आप कोरबा पाली तरफ से आते हैं तो उड़ान तक आपको अच्छा रोड मिलेगा, उड़ान के बाद से आपको पगडंडी वाला जंगलों वाला रास्ता मिलेगा जिसमें केवल बाइक या पैदल आ सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वह है कटघोरा वाला। कटघोरा की तरफ से अगर आप आएंगे तो कटघोरा से आपको आना पड़ेगा जडगा। जडगा एक जगह है, वहाँ से आपको मेरई नामक गाँव में आना पड़ेगा। वहाँ से आप पैदल ट्रैकिंग या फिर अगर बाइक से आ रहे हैं तो बाइक से यहाँ तक आ सकते हैं। हम लोग अभी इधर से उतरते हुए आए हैं, गाड़ी को ऊपर रखे हैं बाइक को, और इन पहाड़ों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लगभग लगभग शाम हो चुका है, अंधेरा होने वाला है क्योंकि जंगल के बीच में है यह जो जलप्रपात है, जो झरना है। हम लोग ये पहुँच चुके हैं वाटरफॉल में, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक नज़ारा का, बहुत ही खूबसूरत तीन झरिया वाटरफॉल। और कहा जाता था ये जो जगह है, अभी हम लोग जिस जगह में है ये जगह भी काफ़ी गहला हुआ करता था। किसी समय में बारिश ज़्यादा होने के कारण से ये जो रेत है यहाँ पे पटा गया है। और जो ये सामने नज़र आ रहा है ना, यहाँ भी काफ़ी गहला है बताया जाता है ग्रामीणों के द्वारा में। दोस्तों यह जो जलप्रपात है तीन छोटी छोटी नदियों को मिल के बनता है, तीन नदियों का धार जो है एक साथ मिल के यह जलप्रपात बनता है, इसीलिए इसको तीन धरिया जलप्रपात कहा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। झरने के दोनों तरफ ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच से यह जो झरना है वो बन रहा है। और ऐसा कहा जाता है गांव वालों के द्वारा कि किसी समय में किन्हीं लोगों द्वारा यहाँ पे पत्थर को ऊपर से पत्थर को फेंका गया था नापने के लिए कि कितना गहरा है, तो पानी जो है उल्टा ऊपर की तरफ बह के उन लोगों को दौड़ाने लगा था। तो ये जो है कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमको नहीं पता, ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया है हम उसी को बता रहे हैं। और देख सकते हैं कितना स्वच्छ और कितना निर्मल जल है यहाँ पे। यहाँ की जो खूबसूरती है किस तरह से है, तो अभी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं यहाँ का ड्रोन शॉट। और ड्रोन शॉट से देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये जो जगह है कितना खूबसूरत है। तो आइए देखते हैं ड्रोन शॉट। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please Lord give me a sign. A sign. I wanna
to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh! तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का तीन झरिया वाटरफॉल का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के खूबसूरत वीडियो आप लोगों को देखने के मिले। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी, जय छत्तीसगढ़।